सांगड़ में जराइम की क्या सूरत हाल है, इस बारे में तफसीलात जानते हैं न्यूज बॉक्स के नुमाइंदा इशफाक चलैरी से। सांगड़ जिले की अगर बात कर ली जाए तो जिला सांगड़ जो है कि 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है और क्राइम और जराइम के हवाले से अगर कहा जाए तो पूरा मन जिला कहलाया जाता है। सांगड़ के अंदर तारीख ये रही है कि सांगड़ के अंदर आने वाला तमाम जो अफसरान हैं, ख्वाह वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हों, पुलिस डिपार्टमेंट से हों, कोशिश करते हैं कि सांगड़ के अंदर उन्होंने आराम किया है। नए आने वाले SSP जनाब बुरान भी किरियो साहब जो कि देखा जाए तो सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर्स हैं और बहुत से जिलों के अंदर काम किया, लेकिन आते ही उनके साथ कुछ इस तरह से काम शुरू हुए हैं कि आते ही खुदा भी दर्श का जहाँ पर केस हुआ है और बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन उनकी ये गिरफ्त की अगर बात कर ली जाए तो तमाम केसेस पे अगर उनकी गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत रही है। किसी भी तरह का उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, हमेशा खुश अखलाकी के साथ इनको केसेस को उन्होंने हल किया। दूसरा दिन सांगड़ के अंदर जो वाक्य शॉप के हवाले से हुआ तो उसकी गिरफ्त की अगर बात कर ली जाए तो बड़ी मजबूत गिरफ्त उनकी रही और बिल्कुल न्यूट्रल वो रहे, किसी भी तरह का उन पर असर नहीं आता कि वो किसी तरह के परेशान नजर आते हैं। मौलाना भी किलो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी आप देखें, ये वाकया बिल्कुल बड़ा वाकया हो गया है, लेकिन ये दुश्मनी पे हुआ है, उसको हमने अच्छे तरीके से मैनेज किया है। बंदे पकड़े हैं, मजीद जो हैं वो भी पकड़ेंगे वो, लेकिन हमने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने नहीं दी है, हमने अच्छे तरीके से उसको संभाला है और इंशाल्लाह मजीद भी ये बेहतर होगा। देखें ये शॉप वाला, ये भी कोई क्राइम नहीं था, कोई डकैती नहीं थी, वो लड़े हैं रिमोट कंट्रोल पे लड़े हैं, उसने बोला मुझे नहीं दिया है, उसने बोला मैंने दिया है, वो जाके लड़े हैं। हमने दोनों पार्टीज़ की FIR की है, वो हमने एक इंडिपेंडेंट GIT बनाई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरिट पे फैसला होगा इंशाल्लाह। देखें कोई खुफियात नहीं है, कभी कभी ये क्राइम की लहर आती है, अगर कोई क्राइम हुआ भी है तो हमने उसको ट्रेस किया है, उसको अरेस्ट भी किए हैं लोग, अब मजीद उस पर काम चल भी रहा है तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सही हो जाएगा। आवाम के लिए यही पैगाम है, लेकिन माशरे में 3 कुवतें हैं, एक आवाम है, एक क्रिमिनल है और एक अहम फोर्स है। अगर आवाम हमसे मिल जाता है तो क्रिमिनल शिकस्त का है इंशाल्लाह। कोई गैप नहीं है, पब्लिक की और हमारे अच्छे तलकात हैं, शहरों के हमारे अच्छे तलकात हैं, कोई गैप नहीं है, काम हो रहा है। देखिए वो हमारा जजा सजा का अमल जो है वो सिर्फ अभी हमारे पुलिस में ही है, जो एक पुलिस वाला हमारा 1 घंटा भी ड्यूटी पे लेट से आता है तो उसका भी हिसाब किताब है, तो इंशाल्लाह ये रहेगा। देखिए उनको बाज आना पड़ेगा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, एटा उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनको कोर्ट में पेश करेंगे, हम फोर्स हैं, हमारा काम ही ये पब्लिक की सेफ्टी करना, वो हम करेंगे, किसी भी सूरत में पब्लिक को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। कोई रामदिली नहीं है, कानून जितनी हमें इजाज़त देता है हम वो काम करेंगे, कानून जितना हमें इजाज़त है उसी कानून के मुताबिक काम करेंगे, कोई किसी के साथ रियायत बरती नहीं जाएगी। सांगड़ के अंदर अमन अमान है, जजा सजा का सिलसिला भी जो ही जारी रहेगा, जहाँ ख्याल का आपने हालात सुने आपने गुलाम पी किलो साहब के, उम्मीद की जाती है सांगड़ के अंदर जिस तरह पूरा अमन जिला रहा है इसी तरह से पूरा अमन रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर क्राइम की शरह में मजीद कमी आएगी और सांगड़ पूरा अमन रहेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुनैरी।